अभी के टाइम में दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट है, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे इजीली फाइनेंस करा सकते हैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 के अबव होना चाहिए। इजिली यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाएगा। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपए तक का लिमिट मिल जाता है। तो 1,00,000 रुपए तक की आप शॉपिंग कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, उस हिसाब से यहाँ पे लिमिट दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आप अपना फ्लिपकार्ट पे लेटर्स कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे यहाँ पे आपको प्रोसेस करनी होती है और किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई कराने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड करेंगे। आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का मनी प्लस का आइकॉन है, आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो एक्टिवेट करने के लिए साइन अप 30 सेकंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भरेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर भर दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे भरेंगे। OTP भरने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप OTP डाल के वेरीफाई करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड का डाटा रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर ये डाटा बिल्कुल सही है तो नीचे एक ऑप्शन से एग्री एंड सबमिट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करा लेंगे, फ्लिपकार्ट पे लेटर्स का हमको 30,000 रुपए का लिमिट मिल चुका है। अभी आप चाह रहे भाई जो मुझे लिमिट मिला है उसका यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है शॉप यूजिंग पे लेटर्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर लीजिएगा। आपकी पसंद का प्रोडक्ट नहीं मिलता तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे टीवी लेना चाह रहा हूं तो मैं टीवी सर्च करूंगा। तो जो सा भी टीवी आपको खरीदना है आप उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी लिमिट रहेगी उससे ओवर का सामान आप यहाँ पे नहीं खरीद पाएंगे। जो आपको लिमिट मिला है उस लिमिट को आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 14,000 रुपए का टीवी है, अभी मुझको ये खरीदना है। तो यहाँ पे एक बार आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन है, आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो। जिस एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होना है वो एड्रेस आपको शो करेगा। अगर आप किसी और एड्रेस पे इसको लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे साइट में चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज के ऊपर क्लिक करके अपना एड्रेस भी बदल सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको देखने को मिल जाएगा सजेस्ट फॉर यू फ्लिपकार्ट पे लेटर्स एंड EMI, आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे भरना होगा, के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने OTP भर दिया, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो OTP हमारा वेरीफाई हो चुका है। जैसे आप OTP वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिलेक्ट EMI प्लान, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों काफी सारे प्लान आ रहे हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक प्लान चूज कर लीजिएगा। अगर आप इस टीवी को 3 महीने के लिए लेंगे तो आपको 24% का इंटरेस्ट लगा जाएगा, टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना होगा। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे 2,500 वाली EMI का, 6 महीने के लिए अगर आप इसको लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% का रहेगा और टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो 14,996 रुपए करना होगा। अगर आप इस टीवी को 9 महीने के लेंगे 1716 वाली EMI के लिए तो यहाँ पे 15,436 रुपए आपको पे करना होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को 12 महीने के लिए फाइनेंस कराएंगे जिसकी EMI 1,324 रुपए रहेगी, 24% का इंटरेस्ट लगेगा, जिसका आपको 15,885 रुपए पे करना होगा। अगर आपको ये वाला प्लान रखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कन्फर्म, आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यहाँ पे कन्फर्म डिलीवरी इंस्टॉलेशन टाइम भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिएगा। जैसे ही आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर सेक्शन के अंदर आना है। ऑर्डर सेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल आ जाएगा, आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, शिपमेंट कब होगा उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आप दोस्तों इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते और आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए कैंसिल वाला ऑप्शन है, आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। के बाद नीचे एक ऑप्शन है कैंसिल ऑर्डर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा आप कैंसिल क्यों करना चाहते हैं, कोई सा भी एक रीजन चुन लीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट डाल दीजिए,
कीजिएगा। नीचे आपको रिफंड स्टेटस दिखाएगा, यानी जो आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर से पैसा कटा है वो कब आएगा। तो यहाँ पे एक दिन तक का टाइम लग जाएगा। तो बैंक हॉलीडे नहीं होगा, अगर बैंक हॉलीडे होगा तो हो सकता है एक दो दिन का टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। तो सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन कंफर्म, आप स्टेटस चेक करना चाहे तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लिमिट वही का वही लिमिट यहाँ पे आ चुका है वापस। तो दोस्तों ये काफी अच्छा सर्विस है, आप इसको यूज कीजिएगा, आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होगा और आपको ये वाला जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो भी आसानी से मिल जाएगा 3 महीने के बाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी फ्लिपकार्ट पे लेटर से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनवरी रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, चलिए धन्यवाद।